डी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की हैजर्ड्स हैं ख़ास तौर पर जनरल और स्पेसिफ़िक वो कौन सी हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको हमें देखना पड़ेगा वो क्या है नंबर वन सीटिड रेपिटेटिव वर्क विद लाइट पार्ट्स अगर काम आसान है बैठ के आराम से इम्प्लाई कर सकता है तो जहरी बात है कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी अगर इम्प्लाई काम बैठ के नहीं कर रहा खड़े होकर कर रहा है और लॉन्ग आवर्स तक खड़े होके कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कम्पेरेटिवली मुतासर होगी सीटेड वर्क विद लार्जर पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेड वर्क विद लार्जर पार्ट्स के ज़्यादा काम आप बैठ के कर रहे हैं लेकिन अब जो लार्जर पार्ट्स है हैवी काम है उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू मूव आपको जेस्टर पॉस्चर चेंज करने पड़ेंगे अब ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो आप पार्सल या बॉक्स उठा रहे हैं वेदर ये बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है अब देखना ये है कि वो जो बंदा फिज़िकली ये एक्सरसाइज ऑफ बॉडी का काम कर रहा है कि वो फिज़िकली फ़िट है फिज़िकली फ़िट है और उसके लिए अगर वो चीज़ इशू वाली नहीं है प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग मुतासर नहीं होगी ना ही ये चीज़ उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पर इफ़ेक्ट करेगी सीटेड कंट्रोल वर्क स्टैंडिंग वर्क स्टैंडिंग वर्क इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग वर्क देखा गया है कि जो अडल्ट लोग हैं उनके लिए बेहतर है लेकिन वो लोग जो कम्पेरेटिवली एजड हैं उनके लिए स्टैंडिंग वर्क कम्पेरेटिवली बेटर नहीं है आपको एम्प्लॉय की एज हेल्थ और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री मेडिसिन की या मेडिकल ट्रीटमेंट की या डिजीज की आइडिया होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक उस एम्प्लॉय को डील या ट्रीट किया जा सके स्टैंडिंग फॉर हैवी लिफ्टिंग एंड आर कैरिंग वर्क इन वन प्लेस आर इन मोशन ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैवी लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा उठाने वाला काम वजनी उससे भी जो एम्प्लाई की बैक बोन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है हैवी वर्क के लिए आप कंटेनर या जो आपके पास वहाँ पे एस ओ पीज ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके मुताबिक उन चीज़ों को कैरी करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्प्लाईज़ हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के इशूज़ को मद्देनजर रखा जा सके वर्क विद हैंड्स अबव चेस्ट हाइट डेफिनेटली यू हैव टू परफॉर्म योर वर्क विद योर हैंड्स आपने अपने हाथों से काम करना है अब ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा गया है कि अगर आप एस फॉलो नहीं कर रहे अगर ग्लव्स हैं मास्क है या ग्लासेस हैं या बॉडी के ऊपर आपकी जैकेट है विजिबल जैकेट है या इसके अलावा कोई प्रोटेक्टिव गेयर हैं प्रोटेक्टिव मैकानिज़म है, है हेलमेट है या जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ने एस में लिखी हुई हैं उनके बगैर आप ये काम नहीं करेंगे वर्क विद हैंड टूल्स पर्टिकुलर जब आप टूल्स का काम कर रहे हो या टूल्स को ऑपरेट कर रहे हों या टूल्स को मैनेज कर रहे हों ये हैंड्स के साथ आपकी फुल कंसंट्रेशन ऑन टूल्स में होनी चाहिए ना कि ऐसा ना हो कि आप मेंटली वहाँ पे नहीं हैं फिजिकली वहाँ पे हैं इससे किसी किस्म की भी सुय इंजरी हो सकती है वर्क विद वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स ऑर्गेनाइजेशन में वीडियो प्ले टर्मिनल्स भी होते हैं जैसे सी एन सी मशीनज है वहाँ पर कंप्यूटराइज ग्राफिक्स की मदद से तमाम चीज़ें वायल कार्ट को काट रही होती है अगर आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो वायल कार्ट इतनी तेज़ होती है कि आपकी फिंगर हैंड्स या किसी किस्म की प्रॉब्लम का बायस बन सकती है इकोनॉमिक्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स ये टॉपिक्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इकोनॉमिक्स के हवाले से हम देखेंगे फाइनेंशियल आस्पेक्ट बजट आस्पेक्ट्स फ्यूचर आस्पेक्ट्स विजिबिलिटी वाईबल प्रोजेक्ट है कि नहीं वो जो स्ट्रेस है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि नहीं आपको मैंने डी स्टूडेंट्स पहले बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लिटिगेशन की कानून के हवाले से सूट एक एम्प्लाई कर देता है ऑर्गेनाइजेशन में वो जो कास्ट है जो सूट की शक्ल में ऑर्गेनाइजेशन पे हो जाती है वो ठीक नहीं है वो कास्ट एम्प्लाई को कंपनसेट करने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए भी आर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क स्ट्रेस को कम करना चाहिए पर हैब्स द मोस्ट अंडर रिसर्च सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एक्नॉमिक इज द कास्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ सबसे जिस एरियाज पे कम स्टडी हुई है वो ये टॉपिक है कास्ट इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ अगर इम्प्लाई की सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर एग्जाम्पल आपने एस ओ पी बनाए उन्हें फॉलो किया ऑब्जर्व किया ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ दोबारा नहीं होगी इम्प्लाई का लास्ट नहीं होगा कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आर्गेनाइजेशन में वो उस किस्म के इवेंट्स नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे या इंश्योरेंस की मद में आपको एम्प्ल पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा क्यों कि ये चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आप एस को फॉलो कर रहे हैं इसके टू पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स पहला पॉइंट ये है कि सच रिसर्च इज ऑफ मोर मोल कम्प्लेक्स एम्प्लॉ की हेल्थ का डेटा कम मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में लिखा होता है कि एम्प्लॉ के टेस्ट होंगे मेडिकल चेकअप होगा तमाम चीज़ें होंगी ब्रोशर पम्फलेट उसके स्पेसमेंट तमाम चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो तमाम चीज़ें डिटेल में इम्प्लॉ के हवाले से मालूम नहीं है मैक्सिमम एम्प्लॉय का ब्लड सैंपल होगा या मैक्सिमम एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप होगा हर एक एम्प्लॉ की प्रॉपर पेशेंट हिस्ट्री कम चांसेस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हो सेकंड पॉइंट ये है कि मैनी डिसीजन मेकर थिंक सच स्टडीज आर इनरेलीवेंट बिकॉज प्रमोटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इज द राइट थिंग टू डू रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट ये अहम पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉ को प्रमोट करें इम्प्लाई की हेल्थ को प्रमोट करें इम्प्लई के मेंटल स्ट्रेस को कम करें इम्प्लाई के वो तमाम एस्पेक्ट को देखें जिसकी वजह से वर्क लाइफ सेफ्टी बैलेंस की जा सके और आपको एक बात मैं डी स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ जो इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद मेंटली रिलैक्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और आर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है उन एम्प्लॉज़ की नस्बत जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं